जैसी श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है श्याम बाबा की कृपा से सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और जानते हैं, आज कहीं जाने का हमारा प्लान था, लेकिन धूप इतनी, 10 बजे से इतनी तेज़ धूप हो रही, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। और हमारे नाश्ता सबका हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने। पहले तो ये था कि आगे बना लेंगे, नाश्ता सब ने कर ही लिया, लेकिन अब खाना बना ही लेते हैं। तो आज मैं लंच में बनाऊँगी अरहर की दाल, भरवा करेले और चावल। जानते हैं हमारे यहाँ मायके तरफ ना, जब भी भरवा करेले बनते हैं तब दाल जरूर बननी ही बननी है, बगैर दाल के करेले नहीं बनते। तो हो गया, आज मैं उसी स्टाइल में बनाऊंगी, तो बना ही लिया जाए, फिर टाइम वेस्ट क्यों किया जाए। और यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में, और भरवा करेले बनाने के लिए मैं मसालों को भून रही हूँ। मसाले में देखिए, मेथी है, धनिया है और सौंफ है, जीरा है, इन सबको मैंने भूना है। और भूनने के बाद में प्याज और लहसुन के साथ में, और थोड़ा आमचूर बोलते हैं जो आम की सुखाते हैं, वो थोड़ा खटाई के लिए डाल दिया। उससे क्या है ना, टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो मैंने सबको, मसाले को पीस लिया है। अब मैंने करेलों को छील के और कट कर लिया बीच में से। अब उनमें मैं स्टफिंग भर रही हूँ, और जब मसाले अच्छे से इसमें भर देंगे एक एक करके, क्योंकि मसाले अगर अच्छे से उसमें भर जाते हैं ना तो फिर निकलता नहीं है, नहीं तो कढ़ाई में ही सारा फैल जाता है। जब आप तलते हैं ना तो कढ़ाई में ही सब फैल जाता है। तो बस यहाँ मैं भर रही हूँ करेलों को, और जब मेरे करेले भर जाएंगे सब, तो मैं कढ़ाई में एक एक करके डालूँगी। यहाँ मेरे भर चुके हैं, मैं कढ़ाई में एक एक करके डाल रही हूँ, और इनको अच्छे से उलटना पलटना है, थोड़ा देर इनको फ्राई करना है, और इसके बाद में बिल्कुल मीडियम फ्लेम करके इनको मैं ढक दूंगी। तो बस यहाँ मैं इनको थोड़ा फ्राई कर रही हूँ, और यहाँ देखिए मेरे करेले बन के तैयार हो गए हैं। लास्ट में देखिए, कड़ी कड़ाई मेहनत में गोलू आ गए हैं देखने के लिए। बोलते हैं कि मैं देख लेता हूँ मम्मा, आप तब काम कर रही हो। और यहाँ मेरे करेले बन के हो गए हैं तैयार, और मैंने रख दी है दाल। मुझे यार करेले के साथ दाल भी बनानी है अरहर की। और जब तक मेरी दाल पक रही है, तब तक मैं फ्राई करने के लिए सारे काट लेती हूँ, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, लहसुन, ये सब काट लेती हूँ फ्राई करने के लिए। भाई एक काम के साथ में दो दो तीन तीन काम हो जाए तो भाई निपटाना है ही है, साथ में कर लिया जाए। और यहाँ मैं कर रही हूँ दाल फ्राई, मेरी दाल बन चुकी है। अब मैं उसी कढ़ाई में दाल फ्राई कर रही हूँ, जो मैंने कढ़ाई उस दिन आप लोगों को दिखाई थी, क्यूट सी। और देखिए, एक लोगों की सब्जी तो पर्याप्त इसमें बन जाएगी, इस कढ़ाई में पक्का। कितनी सुंदर लग रही है। और बस मैं इसको दाल में फ्राई कर दूंगी। ये मेरा सब पक के तैयार हो गया है, जो मैंने टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, मिर्च, ये सब डाल के पकाया है। और बस मैं इसमें दाल को फ्राई कर रही हूँ, तड़का दे रही हूँ। अब मेरी दाल भी बनकर हो गई है रेडी, और अब मैं बस में बचा है मेरे चावल बनाना और रोटियाँ। तो यहाँ मैं चावल साफ़ करी, वैसे मेरे चावल साफ़ ही हैं, बट फिर भी हमको एक बार देख लेना चाहिए बनाने से पहले। तो बस हमारा खाना बन के हो गया रेडी। मैंने खाना लगा दिया है गुल्लू पापा के लिए, ये चावल नहीं खाते, इनको मैंने चावल नहीं लगाया। और खाना वाना सबका होने के बाद में मैं आ गई हूँ डिब्बों को साफ़ करने, क्योंकि कुछ सामान रखा था वो मुझे भर के रखना है। तो मैंने कहा जो डिब्बे अपने पास पड़े हैं इन्हीं को साफ़ कर लिया जाए, क्यों नए खरीदे जाएँ। तो भाई ये तेल के हैं, अचार के हैं, तो इनको ये ऐसे साफ़ नहीं होते, इनको मैंने गर्म पानी किया है, गर्म पानी में मैंने निरमा डाला है, उससे क्या ये डिब्बे बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएंगे। और साफ़ करके इनको धूप में रख दूंगी, जब सूख जाएंगे तो जो सामान मुझे भरना है तो मैं भर के रखूंगी। जैसे कि मैंने अचार बड़े वाले डिब्बे में भर के रखा है, तो रोज़ खाने के लिए मैं अलग से छोटे डिब्बे में निकाल के रखूंगी। बड़ा डिब्बा रोज़ कौन उतारेगा, और इकट्ठे अचार में हाथ डालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें ना ख़राब होने का डर रहता है। तो रोज़ डेली यूज के लिए उसमें छोटे डिब्बे में निकाल के रख लूँगी। तो यही सब सामान है, छोटी छोटी चीज़ हमें किचन में देखनी होती है कि क्या है कैसे है। तो बस मैं वही साफ कर रही हूँ, फटाफट से साफ हो जाए ताकि धूप में रख दो सूख भी जाएंगे।
यहाँ पर मैं लाल मिर्च धूप में सूखने के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि ये दुकान से आई थी ना, तो ये बोरे वगैरह में भर के रखते हैं, पता नहीं कैसे थे, लूज टाइप की थी, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे गीली सी हो। तो धूप अच्छे से दिखा दूँगी, फिर इसको कंटेनर भर के रख दूँगी, तो क्या है, दिक्कत नहीं होती मसाले वगैरह पीसने में। तो बस मैं वही धूप में सूखने के लिए रख रही हूँ, और अच्छे से सूख जाएंगी तो मैं भर के रख दूँगी। और मुझे अब क्या है ना, तुरंत में जैसे ही मैंने रखी तैसे थोड़ा बादल टाइप के आ गए, तो धूप क्या छिपने लगी। लेकिन मुझे क्या उड़द की दाल भी फटक के साफ करनी थी, तो मैंने उसको भी, मैंने कहा इतनी धूप तो है पर्याप्त, उसमें लगी जाए। और इसके बाद में मैं आ गई थी पार्लर, क्योंकि मुझे कुछ कपड़े डालने थे दीदी के यहाँ पे। इनकी सिलाई मुझे बहुत पसंद आती है, तो जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती तो मैं इन्हीं से पूछती हूँ आगे। तो बाकी तो मैं घर में भी सिल लेती हूँ, लेकिन क्या है ना, ये थोड़ा इनसे पूछ लेती हूँ तो और अच्छा रहता है। तो बस मैं इन्हीं के पास में यही पूछने आई थी। तो ये मुझे लेस पट्टी दिखा रही थी, बोली इस तरीके की लेस लाया करो, ये साड़ी में ना बहुत अच्छी लगती, सिंपल साड़ी हो और अगर इसमें लेस पट्टी अच्छे से लगा दी जाए तो साड़ी की वैल्यू भी बढ़ जाती है और साड़ी अच्छी भी लगती है। तो वो मुझे यही दिखा रही। से आने के बाद में अब धूप जा चुकी है और बादल टाइप के हो रहे हैं, तो गोलू हमारे बोले मम्मी मेरी पतंग उड़वा दो, ऊपर उड़ नहीं रही है। तो मैंने कहा हाँ छोड़ो ला, तो बस मैं उसकी पतंग उड़वा रही हूँ और थोड़ा ऊपर उड़ने लगेगी तो फिर मैं छोड़ दूँगी। तो हो गया, जो शौक़ है वो करना चाहिए, है ना, और अच्छा भी लगता है, जो अपनी हॉबी है वो करना चाहिए। तो मुझे पतंग उड़ाना बहुत पसंद है, तो बस मैं पतंग उड़ाने लगी। यहाँ पर मैंने जो उड़द की दाल धूप दिखाई थी उसी को मैं फटक के साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि जो छिलके वाली दाल होती है ना, इसको आप अच्छे से पहले साफ़ कर लो तो फिर बनाते समय दिक्कत नहीं आती। तो वही मैं साफ़ कर रही थी फटक के, देखिए ना कितना छिलका निकला हो, क्योंकि हाल में ही दली हुई दाल है। तो इसको यहाँ फटक के साफ मैं कर रही हूँ, तो उससे क्या है, इसमें जो भी होगा निकल जाएगा, बनाते समय फिर अपना समय बर्बाद नहीं होता। यहाँ देखिए माँ बेटे में, अब माँ बेटे कह लीजिए चाहे सास दामाद कह लीजिए, अब एक माँ के लिए दामाद और बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता, भाई बेटी देख के ही बेटा दामाद पाते हैं। तो यहाँ चल रही है गुफ्तगू, और ये बोले, ये देख रहे थे कि ये तो काम मिलेगी, इसके पास टाइम अभी नहीं है, तो मम्मी का टाइम पास करने के लिए ये बैठ जाते हैं, मम्मी इसको ऐसे बातों में बहला लेते हैं। और यहाँ गोलू कर रहे हैं मम्मी की सेवा, आज तो वैसे पड़े ही मम्मी के पैर दाबता है, लेकिन आज वो अपने आप से आके बैठ गया, बोलता मम्मी नानी लाओ मैं आपके पैर दाब लेता हूँ। और वैसे तो वो रात में ही दाबता है, लेकिन जब उसे टाइम मिल जाता है तब वो नानी के पास आ जाता है। और ये नानी से बोलते हैं कि नानी मैं आपकी खूब सेवा करूँगा, नानी आप जाना मत, बस नानी आप मेरे पास ही रहना, जाना मत। तो नानी उसका मन रखने के लिए बोल भी देती है, हाँ बेटा मैं नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी। तो बस इनकी ऐसी बातें चलती हैं। और तो मैं अपने ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए यहीं पर करती हूँ एंड। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलती हूँ अपने अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।